semi audible to everyone? Hello, good morning students. Am I audible to everyone? Am I audible to everyone? Students, please respond. Okay. Okay, Sabreet, the screen is visible to you? Sabreet? हाँ जी स्टूडेंट, सब क्लियर है? अब बैकग्राउंड वॉइस तो नहीं आ रही कोई भी? क्यों आवाज आ रही है? क्योंकि यहाँ पे तो मैं कॉलेज पे क्लास ले रही हूँ, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो फैन भी ऑफ कर दिया है। अब क्लियर है बच्चे? अब आवाज आ रही है? अब पहले से कुछ क्लियर हुआ? स्टूडेंट्स अब क्लियर है? दीप अब क्लियर है बेटा? अब चेक करो, अब ठीक है? बच्चे फिर आप वेट करो 2 मिनट, दोबारा मैं कोई सेटिंग करके देखती हूँ। अब क्लियर है? अब कुछ पहले से ठीक है बेटा? बताओ क्या था? ठीक है, उसके बाद जो हमारा आज नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे, लास्ट टाइम हमने टॉपिक्स कौन कौन से कवर किए थे? हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे जावास्क्रिप्ट के अंदर, अगर याद हो। उसके बाद हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स कवर की थी, देन वी कवर लूपिंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, हमने लूपिंग स्टेटमेंट्स तक लास्ट क्लास में कवर कर लिया था। स्टूडेंट्स वेट अ मिनट।
स्टूडेंट्स, नाउ इट्स क्लियर, माय वॉइस इज क्लियर टू एवरीवन। सर करियो चाची। हेलो, आपको बैकग्राउंड पे आवाज तो नहीं आ रही? सोनू क्लियर है बच्चे? सर एक सर एक बात ज्यादा सुनिए। हेलो, ठीक है, चलो ठीक है। मेरे स्टूडेंट्स भी कह रहे थोड़ी कम हो गई है, पहला नो काट है। ठीक, चलो ठीक है सर। स्टूडेंट्स, तो हमने लास्ट टाइम ऑपरेटर्स किया था, देन उसके बाद हमने किया अपना लूपिंग कंडीशनल स्टेटमेंट्स, देन नेक्स्ट टॉपिक हमने कवर किया था लूपिंग स्टेटमेंट्स, और उसके बाद जो हम आज हम अपना टॉपिक करेंगे दैट इज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल डॉम, DOM कवर करेंगे हम। ठीक है, DOM बच्चे आपको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करवाऊंगी क्योंकि ये चीज़ आपके सिलेबस में मैंशन नहीं है, लेकिन ये एक जावास्क्रिप्ट का ही पोर्शन है। ये मैं कुछ प्रोग्राम्स में इसको यूज करूंगी, आगे जो मैंने टॉपिक्स आपको कवर करवाने हैं उसमें ये टॉपिक कवर होगा, ये कंसेप्ट इसका कवर होगा, तो इसलिए इसको मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बता रही हूँ कि डॉम क्या चीज़ होती है। ठीक है, डॉम मीन्स डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉम क्या है, आप कह सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, जिसको आप असेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पहले मैंने लिखा है 3 एसेंशियल पार्ट्स टू वेबसाइट डेवलपमेंट। 3 चीज़ें होती हैं किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए। नंबर 1 इज HTML, हम HTML को यूज़ करते हैं टू ऐड स्ट्रक्चर टू अवर वेब पेजेस। टैग यूज लाइक p टैग, div, h1, ये हम सारे टैग्स इसके अंदर यूज करते हैं। इट इज़ अ जस्ट मार्कअप लैंग्वेज विच गिव स्ट्रक्चर ओनली। HTML क्या है, एक मार्कअप लैंग्वेज है जो सिर्फ हमें एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। ठीक है, दूसरी साइड पे हम CSS को यूज़ करते हैं एक वेबसाइट को बनाने के लिए। CSS क्या है, स्टाइल्स को ऐड करने के लिए। वेब पेजेस के अंदर जब स्टाइल्स ऐड करने हैं तो हम CSS को यूज करते हैं, जैसे कलरिंग, बॉर्डर, मार्जिन देना है तो CSS यूज कर सकते हैं। और थर्ड लैंग्वेज हमने स्टार्ट की है JavaScript। JavaScript क्या करती है, टू ऐड प्रोग्रामिंग टू अवर वेब पेजेस। जब हमें अपने वेब पेजेस को प्रोग्रामिंग देनी है, कोई फंक्शनैलिटी ऐड करनी है उसके अंदर, उसको हमने इंटरेक्टिव बनाना है, यूजर फ्रेंडली बनाना है, तो उसके लिए हम JavaScript को यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब क्या डिफरेंस क्या है एक HTML और डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर। जब कोई भी जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम होता है, जब वो ब्राउजर के अंदर हम उसको वेब पेज जब लोड होता है, तो ब्राउजर क्या करता है, क्रिएट करता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ऑफ अ पेज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब HTML डॉक्यूमेंट एक साइड पे मैंने लिखा हुआ है, इसके अंदर सबसे ऊपर है HTML, देन मैं हेड को यूज करती हूँ, टाइटल को यूज करती हूँ, उसके बीच में मैं कुछ अपना टेक्स्ट लिखती हूँ। ठीक है, फिर टाइटल टैग को क्लोज करती हूँ। HTML डॉक्यूमेंट के अंदर इस चीज़ को जब हम सिंपल HTML डॉक्यूमेंट के ऊपर वर्क करते हैं, तो इस चीज़ों को हम डिफरेंट चीज से देखते हैं। जैसे कि HTML है तो मैं बोलूँगी एक टैग है मेरा, हेड है तो उसको भी मैं टैग बोलूँगी, H1 को मैं टैग बोलूँगी। ठीक है, जैसे मैंने लिखा div id is equal to div1, तो div क्या है, मेरा टैग है, id क्या है, मेरा एट्रीब्यूट है। ठीक है, ये है एक HTML का। लेकिन जब HTML के साथ हम JavaScript को यूज करते हैं, जब एक वेब पेज जब लोड होता है, तो ब्राउजर एक उसको ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ट्री की फॉर्म में वो जनरेट करता है। उसके अंदर वो इन चीज़ों को क्या लेके चलता है, जैसे सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट होता है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर कैसे बनता है, पहले डॉक्यूमेंट है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज HTML, देन HTML के बाद जैसे हेड और बॉडी मैं यूज कर रही हूँ, तो हेड और बॉडी क्या है, हेड जो है वो मेरा एलिमेंट नोड है। ठीक है, इसके अंदर मेरे को हेड और बॉडी को क्या बोलना है, इसका डिफरेंट नेम रख दिया। जब हम एक डॉम के ऊपर काम करते हैं तो हम इसको बोलते हैं एलिमेंट नोड्स। क्लियर, देन नेक्स्ट आगे देखो, हेड के बाद मैं टाइटल को यूज करती हूँ HTML डॉक्यूमेंट के अंदर, देन टाइटल के अंदर जो भी मैं टेक्स्ट लिखती हूँ HTML डॉक्यूमेंट में, मैं उस चीज को बोलती हूँ सिंपल टेक्स्ट। लेकिन डॉम में क्या होता है, ब्राउजर उसको क्या उठाता है, टेक्स्ट नोड, उसको हम क्या चीज बोलते हैं, जो भी हम टाइटल के अंदर लिखते हैं टेक्स्ट नोड। क्लियर,
उसके बाद देखो बॉडी के अंदर मैं डिफरेंट डिफरेंट टैग्स जैसे यूज कर रही हूँ, एचमैन मैंने यूज किया, मैंने डिव यूज किया, डिव के बाद मैं आईडी लिख रही हूँ। सो आईडी क्या है, मेरा एक एट्रीब्यूट नोड है, ठीक है। एचटीएमएल के अंदर एट्रीब्यूट बोलते हैं, लेकिन डॉम के अंदर हमने उसको क्या बोलना होता है, एट्रीब्यूट नोड बोलना होता है, ठीक है। चीज वही है, सेम चीज ही चल रही है, लेकिन जो नेम है वो डिफरेंट हो गए हैं। डॉम की जो वर्किंग है वो थोड़ी डिफरेंट है। डॉम के अंदर क्या होता है, नेक्स्ट हम स्लाइड में देखते हैं, वो कहता है डॉम इज अ W3C स्टैंडर्ड, एक W3C साइट है, उसका इसने इसको बनाया है डॉम को। देन HTML डॉम इज अ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट मॉडल एंड प्रोग्रामिंग इंटरफेस फॉर HTML एंड इट डिफाइंस HTML एलिमेंट्स एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो हम HTML के अंदर जो हम एलिमेंट्स बोलते हैं, जैसे कि एलिमेंट H1 हमारा एलिमेंट है, P हमारा एलिमेंट है, उसको हम डॉम के अंदर वो उसको ऑब्जेक्ट की तरह उस उठाता है, ठीक है। डॉम डिफाइंस द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल HTML एलिमेंट्स, मेथड्स टू असेस ऑल HTML एलिमेंट्स, इवेंट्स फॉर ऑल HTML एलिमेंट्स, ठीक है। मेनली हमने सिर्फ इसके अंदर, मैं बहुत डिटेल में आपको नहीं करवा रही हूँ, सिर्फ आपने ये समझना है कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या है, एक स्टैंडर्ड है जिसकी हेल्प के साथ हम अपने HTML एलिमेंट्स के अंदर कोई भी चेंज कर सकते हैं, कोई नई चीज ऐड कर सकते हैं, कोई नई चीज डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। कोई हम उसके अंदर कोई वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं, कोई न्यू वैल्यू ऐड करवा सकते हैं, तो वो सारी चीजें जो हैं वो हमें उसके लिए, अगर हम ऐसा करना चाहते हैं HTML के साथ, तो हमें डॉम के कंसेप्ट को यूज करना पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको एक प्रोग्राम बता रही हूँ, तो प्रोग्राम से हमें जो है वो ज्यादा क्लियर होगा कि क्या मतलब है और डॉम के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम्स हम यूज करते हैं। एक मिनट स्टूडेंट्स, वन मिनट, वन मिनट। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया, तो इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है HTML, then body, then उसके बाद मैंने H1 टैग को यूज किया है, my first page जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। my first page यहाँ पे लिखा है, तो इसको हम DOM के अंदर वो क्या चीज उठाता है, टेक्स्ट नोड उसको कंसिडर करता है, ठीक है। और ये H1 P ये क्या है, उसके एलिमेंट्स है, क्लियर। अब नेक्स्ट लाइन पे देखो बेटा, यहाँ पे मैंने लिखा P IT is equal to demo. तो इसके अंदर क्या होता है, डॉम के जो कंसेप्ट है, जो हमने आगे प्रोग्राम्स करने हैं, इसके अंदर मैं आपको दो मेथड्स करवाऊंगी, दो से ज्यादा नहीं करने हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ दो मेथड की हेल्प के साथ ही हमने अपने प्रोग्राम्स करने हैं। सो फर्स्ट मेथड क्या होगा, गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड, और एक सेकेंड होगा इनर HTML मेथड, ठीक है। दो ही मेथड हमने यूज करने हैं, दोनों का क्या मतलब है, पहले हम वो देख लेते हैं। Get element by ID is a method, while inner HTML is a property. ठीक है, दो चीजें मैं यूज करूंगी, एक है get element by ID जो कि एक मेथड होगा, और inner HTML क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टी होगी, क्लियर। अब क्या मतलब है इस चीज का, get element by ID method क्या करेगा, the most common way to assess an HTML element is to use the ID of the element. अब इसके अंदर क्या है, जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर आप कोई भी प्रोग्राम, कोई भी एलिमेंट को असेस करना चाहते हो, तो असेस करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं इसमें। तो हमारे पास फर्स्ट मेथड क्या है, फर्स्ट वे क्या है कि हम उस एलिमेंट को एक आईडी प्रोवाइड कर दें, वो फिर आईडी के थ्रू ही उस एलिमेंट को असेस कर पाएगा, समझ आया। तो आईडी के थ्रू हम वो करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसने यहाँ पे बताया गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड यूज्ड ID is equal to demo to find the element, ठीक है। वो क्या करेगा, सारे डॉक्यूमेंट में से फाइंड करना शुरू करेगा, ढूंढना शुरू करेगा कि किस एलिमेंट की आईडी डेमो है, जिस एलिमेंट की आईडी उसको डेमो मिलेगी, फिर वो उसके ऊपर हम जो भी परफॉर्म करना चाहते हैं, जो भी वैल्यू एंटर करवाना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, इनर HTML प्रॉपर्टी। So the easiest way to get the content of an element is by using the HTML property. अब क्या है, inner HTML क्या है, एक property है, ठीक है। उसकी help के साथ हम क्या करते हैं, हम element का content check करते हैं कि उस element के अंदर क्या content लिखा हुआ है, या हम उस element को कुछ content देना चाहते हैं, उसके अंदर कुछ write करवाना चाहते हैं, तो वो हम inner HTML property की help के साथ करेंगे।
अब हम इस प्रोग्राम को देखते हैं तो हमें क्लियर होगा। फर्स्ट जैसे सिंपल ही आपको प्रोग्राम लिखना है, कुछ उसका डिफरेंस नहीं है, सिंपल सिर्फ दो लाइंस का डिफरेंस होगा। पहले हम HTML लिखेंगे, बॉडी लिखेंगे, जैसे मैंने H1 को यूज किया। अब नेक्स्ट लाइन पे मैंने लिखा हुआ है P। P क्या है? एलिमेंट है, ठीक है, एक टैग है। सो PID इज इक्वल टू डेमो। PID इज इक्वल टू डेमो का क्या मतलब है? डेमो एक नाम है, उस आईडी को दिया हुआ है। आप डेमो की जगह पे कोई भी और नेम दे सकते हो, ठीक है, ABCD ले लो, कुछ भी आप नेम, अपना नेम रख लो, कुछ भी आप दे सकते हो, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि इस जो एलिमेंट पी है उसकी आईडी डेमो है और उसके अंदर कंटेंट क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अब स्क्रिप्ट के अंदर हम जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम लिखते हैं, ये आपको लास्ट टाइम भी मैंने बताया। अब नेक्स्ट मैंने मेथड को यूज किया है, ये मेथड हम जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज करते हैं अगर हम एलिमेंट्स को असेस करना चाहते हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट लिखने का क्या मतलब है? डॉक्यूमेंट डॉट अगेन मैंने मेथड का नाम लिखा। डॉक्यूमेंट हम लिखते हैं कि पूरे डॉक्यूमेंट में से वो सर्च करे, समझ आया? तो उसके लिए हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ब्रैकेट के अंदर आईडी का नाम, जैसे कि ऊपर मैंने नाम दिया हुआ डेमो तो यहाँ पे भी मैं डेमो लिखूंगी, अगर मैंने ABC दिया है तो यहाँ पे भी मैं ABC लिखूंगी, समझ आया? इससे क्या होगा, ये लाइन से क्या होगा, वो क्या करेगा, इस सारे डॉक्यूमेंट में से HTML से स्टार्ट करते हुए वो चेक करेगा कि कौन सा एलिमेंट है जिसकी आईडी डेमो है, ठीक है। तो वो जब सर्च करेगा तो उसको यहाँ पे इस पोजीशन पे आईडी मिलेगी पी के ऊपर, पी के आगे लिखा है आईडी इज इक्वल टू डेमो, तो वो उसको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है? डॉट इनर एचटीएमएल क्या करेगा? उस आईडी के अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है उसको गेट करेगा, समझ आया? तो वो कंटेंट क्या लिखा है इसके अंदर? फर्स्ट लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, उसको असेस कर लेंगे। तो आउटपुट हमारी किस तरह से आएगी? सबसे पहले H1 में लिखा है माई फर्स्ट पेज, तो माई फर्स्ट पेज डिस्प्ले होगा। देन उसने आईडी को सर्च करते हुए और डॉट इनर HTML के साथ उस आईडी के अंदर जो कंटेंट लिखा था उसको चेक किया, तो हमारा नेक्स्ट आउटपुट के अंदर क्या आया? फर्स्ट आया, समझ आया? ये कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ है, गेट एलिमेंट बाय आईडी और डेमो क्या है और इनर HTML क्या है। स्टूडेंट्स क्लियर है ये टॉपिक? मैं दोबारा से बच्चे रिपीट कर रही हूँ एक बार, ध्यान से इसको सुनो। हमने क्या करना है, जावास्क्रिप्ट के अंदर एक और नया टॉपिक मैंने आप लोगों को करवाया है, वो है एक डॉम, ठीक है। डॉम एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है, ठीक है, जो एक जावा, एक मिनट अब नवदीप आवाज थोड़ी सी क्लियर हुई है? एक मिनट स्टूडेंट वेट करो, फिर हेडफोन ही चेंज करने पड़ेंगे, हेडफोन्स में कुछ प्रॉब्लम है।
समझ लो, ठीक है? मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो डॉम मैं आपको करवा रही हूँ। ये टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके कंसेप्ट हमने यूज करना है आगे प्रोग्राम्स के अंदर, ठीक है। आप कुछ बुक्स भी चेक करोगे तो वहां पे भी यूज किया है, इसलिए आपको मैं थोड़ा ब्रीफ में बता रही हूँ कि डॉम क्या चीज है, ठीक है। डॉम क्या है, जब हम कोई भी जावास्क्रिप्ट जो वेब पेज जब लोड होता है तो उसके साथ क्या होता है, यहाँ पे आप देखो नेक्स्ट लाइन पे भी लिखा है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे, वन मिनट। इन HTML DOM इज अ स्टैंडर्ड फॉर हाउ टू गेट चेंज एड और डिलीट HTML एलिमेंट्स, ठीक है, कि जो भी HTML के एलिमेंट्स हैं अगर हम उनको चेंज करना चाहते हैं, उनके अंदर जो वैल्यू लिखी है उनको गेट करना चाहते हैं कि क्या वैल्यू लिखी है, कुछ नई वैल्यू उसमें एड करना चाहते हैं, कोई Already existing value है उसको delete करना चाहते हैं, तो वो किसकी help के साथ होगा, वो एक DOM की help के साथ ही हो सकता है, HTML elements के अंदर हम ये सारी चीजें perform कर पाए, ठीक है। Next line में उसने बताया कि when a web page is loaded, the web browser create a document object model of the page. जब कोई भी web page load होता है, जब हमने JavaScript के concept लिख के अपना एक web page बनाया है, जब वो load होता है तो browser automatically उसको क्या करता है, एक object model बनाता है, उसका document object model बनाता है उस page का। वो model क्या है वो मैंने पिछली स्लाइड के अंदर, एक ये वाली स्लाइड जो मैंने आपको बताई लास्ट स्लाइड, इसमें आपको ये एक मैंने ट्री लाइक स्ट्रक्चर बताया, ये होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जिसके अंदर जो हम सिंपल एक HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर हम उस चीजों को टैग्स बोलते हैं या एट्रीब्यूट बोलते हैं वर्ड, लेकिन जब अब डॉम की बात आती है तो उसके अंदर वो ब्राउजर उसको क्या समझता है, एक हेड को एलिमेंट नोड कहता है, वो जो टाइटल के अंदर टेक्स्ट लिखा है उसको वो टेक्स्ट नोड उठाता है, जो आईडी हमने यूज की है वो एक एट्रीब्यूट है उसको वो एट्रीब्यूट नोड कहता है। इस तरह से एक वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। मेनली हमने इसको यूज करना है कि जो एलिमेंट है HTML के एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट कौन कौन से हैं, एलिमेंट हमारे पास हम पी पैराग्राफ टैग यूज करते हैं, वो क्या है, वो हमारा एलिमेंट है, ठीक है। हम H1 को यूज कर रहे हैं, हम div को यूज कर रहे हैं, ये सारे के सारे HTML एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब हम क्या करना चाहते हैं, अगर इन एलिमेंट्स के ऊपर हमने कुछ लिखा हुआ है, उसके टेक्स्ट नोड हमने कुछ साथ में दिए हुए हैं, उसमें अगर कुछ चेंज करना है, उसको हमने असेस करना है कि उसके अंदर क्या लिखा है, कुछ ऐड करना है, कुछ डिलीट करना है, तो उसके लिए हमें डॉम के कुछ कंसेप्ट्स को यूज करना पड़ेगा, कुछ मेथड्स को यूज करना पड़ेगा, कुछ प्रॉपर्टीज को यूज करना पड़ेगा। तो उसके अंदर मैं सिर्फ आपको दो ही मेथड्स करवा रही हूँ, वैसे अगर हम इसको डॉम को पूरा कंप्लीट पढ़ें तो उसके बहुत डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं जिनकी हेल्प के साथ हम ये सारी चीजें एलिमेंट्स के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर तो ये टॉपिक ही नहीं है। लेकिन मैंने आपको सिर्फ दो ही चीजें करवानी है, दो ही मेथड्स करवाने हैं। फर्स्ट मेथड है गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड, ठीक है। एक आईडी हम प्रोवाइड कर दें उस एलिमेंट को, उस टैग को, जिसके थ्रू हम क्या करें कि उस एलिमेंट को असेस कर पाए, तो उसके लिए एक मेथड है जिसका नाम है गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड। समझ आया, इसमें यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है द मोस्ट कॉमन वे टू असेस एन HTML एलिमेंट इज टू यूज द आईडी ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। सबसे अच्छा वे क्या है किसी भी HTML एलिमेंट को असेस करने का, वो है उसकी आईडी से उसको असेस करो। और आईडी कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल में लिखा है आईडी इज इक्वल टू डेमो, ठीक है। तो डेमो मैंने उसका नाम रखा हुआ है, आईडी मेरा एक एट्रीब्यूट नोड है, ठीक है। तो डेमो की जगह आप कोई भी नाम रख सकते हो, ठीक है। वो क्या करेगा, सारे डॉक्यूमेंट से सर्च करना स्टार्ट करेगा, फिर देखेगा कि कहाँ पे उसको इस नाम का कौन सा एलिमेंट मिल रहा है, और उस एलिमेंट के ऊपर वो जो भी मेरी रिक्वायरमेंट होगी, मैं चेंज करना चाहती हूँ या मैं गेट करना चाहती हूँ, जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है मैं उसके अकॉर्डिंग काम करूंगी। समझ आया, ये हमने मेथड यूज करना है, ये डॉम का मेथड है HTML एलिमेंट को असेस करने के लिए। समझ आया, और इसके साथ हमने प्रॉपर्टी यूज करनी है इनर HTML, जो क्या है द इजीएस्ट वे टू गेट द कंटेंट ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। एक इजी वे है जिसके थ्रू हम जो उस एलिमेंट के अंदर कंटेंट लिखा हुआ है उसको गेट कर सकते हैं,
यही चीज मैंने इस प्रोग्राम के अंदर आपको बताई है, एक प्रोग्राम बना के बताया है, डॉम का मेथड्स लगा के बताए हैं कि एचटीएमएल के ऊपर ये कैसे वर्क करेंगे। जैसे सिंपल एचटीएमएल पहले लिखा टैग, देन बॉडी लिखा, H1 के अंदर माई फर्स्ट पेज लिखा हुआ है, देन नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मैंने एक पी एलिमेंट है, पी एलिमेंट को मैंने आईडी दी हुई है डेमो, समझ आया। और उसके अंदर कंटेंट क्या लिखा है, टेक्स्ट नोड क्या है उसके अंदर फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद स्क्रिप्ट के अंदर मैंने मेथड यूज किया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। डॉक्यूमेंट आगे वर्ड लगाने का क्या मतलब है कि पूरे डॉक्यूमेंट में से वो सर्च करे, समझ आया। गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या है, डॉम का मेथड है जिसके थ्रू हम एलिमेंट को असेस कर सकते हैं। सीधा हम एलिमेंट असेस नहीं कर सकते जावास्क्रिप्ट के अंदर, हमें डॉम के मेथड्स को यूज करना होगा। तो फर्स्ट मेथड गेट एलिमेंट बाय आईडी, ब्रैकेट के अंदर मैंने आईडी का नाम दे दिया कि डेमो उठाए। हो सकता है कि मेरे बहुत सारे प्रोग्राम, ये तो छोटा प्रोग्राम है, 10 पेज का प्रोग्राम होगा, बहुत सारी आईडीज होंगी, तो मेरे को यहाँ पे मेंशन करना है कि कौन से एलिमेंट को असेस करे, कौन से एलिमेंट के ऊपर हम फंक्शन आगे अपना जो परफॉर्म करना चाहते हैं ऑपरेशन, समझ आया। तो यहाँ पे मैंने डेमो दिया है तो वो डॉक्यूमेंट से सर्च करेगा, तो यहाँ पे उसको पी नाम का एक एलिमेंट मिलेगा, पी नाम का टैग मिलेगा जिसकी आईडी क्या होगी, डेमो होगी, समझ आया। और डॉट इनर एचटीएमएल क्या है, ये प्रॉपर्टी है, ये क्या करती है, कंटेंट को गेट करती है। और इस आईडी के अंदर कंटेंट क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट लिखा हुआ है, तो वो फर्स्ट को क्या करेगी, गेट कर लेगी और आपको आउटपुट के अंदर वो शो कर देगी। अब कुछ समझ आया, कुछ समझ आया डॉक्यूमेंट डॉट आईडी क्या, डॉक्यूमेंट बाय आईडी क्या है, इनर एचटीएमएल क्या है, कुछ समझ आया दोनों का क्या फंक्शन है, एलिमेंट्स को असेस करना है, असेस करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड है, हमने एक ही करना है आईडी की हेल्प के साथ। मेथड और भी बहुत ज्यादा है, अगर आप नेट देखोगे, अगर आप डॉम को पूरा कंप्लीट करोगे तो मेथड बहुत है। हम टैग नेम के साथ भी कर सकते हैं, हम क्लास नेम के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा डीपली हम पढ़े तो उसके अंदर है, वो कंसेप्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है बेटा। तो ये एक कंसेप्ट था जो हमने आगे यूज करना है, इसलिए आपको मैंने ये बताया। देन नेक्स्ट उसके बाद एक हम टॉपिक करेंगे, व्हाट इज एन इवेंट, समझ आया। इवेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है जावास्क्रिप्ट के अंदर कंसेप्ट है। तो इवेंट क्या चीज है, एचटीएमएल इवेंट्स आर थिंग्स दैट हैपन टू एचटीएमएल एलिमेंट्स। इवेंट्स क्या है, एक थिंग्स है जो कि एचटीएमएल एलिमेंट्स के ऊपर परफॉर्म होंगी। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो, नेक्स्ट लाइन पे उसने क्या बोला है, व्हेन जावास्क्रिप्ट इज यूज्ड इन एचटीएमएल पेजेस JavaScript can react on these events. जब JavaScript हम यूज करते हैं HTML pages के ऊपर, तो JavaScript क्या करती है, react करती है इन events के ऊपर। हाँ जी बिल्कुल सोनू, एक साथ मैं बहुत सारी IDs आगे आपको programs में create करके भी बता रही हूँ। आगे next है मेरे program जिसके अंदर मैंने 2-3 IDs भी ली हुई हैं, ठीक है। तो हम इवेंट्स बेटा आप समझ लो, इवेंट क्या है, एन एचटीएमएल बटन इज क्लिक, ठीक है। एक वेब पेज बनाया, उसके अंदर बहुत सारे बटन्स लगे होते हैं, बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट कोई फंक्शन परफॉर्म होता है, तो बटन क्लिक क्या है, एक इवेंट है, उसको जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या बोलेंगे, वो एक इवेंट परफॉर्म हो रहा है, समझ आया। नेक्स्ट उसने क्या बताया, प्रेसिंग एनी की, कई बार लिखा होता है आपको आता है कि कोई भी की प्रेस करो, तो की जब प्रेस हो रही है वो भी क्या है, एक इवेंट परफॉर्म हो रहा है, क्लियर। नेक्स्ट इज क्लोजिंग अ विंडो, जब हम विंडो को क्लोज कर रहे हैं, वेब पेज को क्लोज कर रहे हैं, वो भी क्या है जावास्क्रिप्ट ने, वो भी एक इवेंट है, क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल इज रीसाइजिंग अ विंडो, आप विंडो का साइज कम ज्यादा कर रहे हो तो वो भी क्या है, एक इवेंट परफॉर्म हो रहा है। तो जावास्क्रिप्ट में हम डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स को भी यूज करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स भी हम अपने वेब पेज के ऊपर परफॉर्म करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में जैसे मैंने बताया कुछ कॉमन एचटीएमएल इवेंट्स हैं, कौन कौन से हैं HTML इवेंट्स। फर्स्ट इवेंट इज जो आपने मेनली यूज करना है वो है ऑन क्लिक इवेंट। ऑन क्लिक जो है वो बटन टैग के साथ, बटन एलिमेंट के साथ हम यूज करेंगे। वो कैसे यूज होगा वो आगे आप प्रोग्राम देखोगे तो क्लियर होता जाएगा साथ साथ में। सिर्फ मेरा ये चीज बताने का मतलब ये है कि आपको पहले थोड़ा सा पता चल जाए कि इवेंट का मतलब क्या है और कौन कौन से इवेंट है हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर जो हम यूज करेंगे अपने एलिमेंट्स के साथ, अपने टैग्स के साथ, ठीक है। इसमें हम एक नया एलिमेंट पढ़ेंगे बटन नाम का, जिसके साथ हम ऑन क्लिक इवेंट परफॉर्म करेंगे कि बटन के ऊपर क्लिक करने पे कुछ फंक्शन परफॉर्म हो,
समझ आया? इसी तरह से नेक्स्ट इवेंट हम यूज कर सकते हैं ऑन माउस ओवर। ऑन माउस ओवर का मतलब यूजर मूव्स द माउस ओवर एन एचटीएमएल एलिमेंट, कि माउस जो है वो कर्सर जो है वो उसके ऊपर अगर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है या एलिमेंट है उसके ऊपर लेके जाऊंगी तो कुछ एक्शन परफॉर्म होगा, ठीक है। तो ऑन माउस ओवर क्या है, वो भी एक मेरा इवेंट है, वो भी मैं यूज कर सकती हूँ अपने वेब पेजेस के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट इवेंट कौन सा है, ऑन माउस आउट। उस एलिमेंट से अगर मैं कर्सर को आउट लेके करूंगी, ठीक है, मूव कर दूंगी उसको, अवे लेके जाऊंगी, तो उससे क्या होगा, फिर मेरा एक इवेंट परफॉर्म होगा, ठीक है। जैसे उसने लिखा है द यूजर मूव्स द माउस अवे फ्रॉम एन एचटीएमएल एलिमेंट, क्लियर। नेक्स्ट इवेंट हम कह सकते हैं ऑन की डाउन, द यूजर पुशेस अ कीबोर्ड की, ठीक है। कोई भी की जो है अगर हम कीबोर्ड से प्रेस करते हैं तो उससे क्या होगा, वो भी एक इवेंट परफॉर्म होगा, क्लियर। नेक्स्ट हम इवेंट यूज कर सकते हैं ऑन लोड इवेंट, द ब्राउजर हैज फिनिशिंग लोडिंग द पेज, जब पूरा लोड हो जाएगा पेज तो उसके लिए हम ऑन लोड इवेंट को यूज कर सकते हैं। ये एग्जांपल के साथ आगे आपको इवेंट जो है मैं यूज करके बताऊंगी, लेकिन जो मोस्ट कॉमन हम यूज करेंगे वो है ऑन क्लिक। बाकी आपके सिलेबस में इवेंट भी टॉपिक नहीं है, आप सिलेबस चेक कर सकते हो, लेकिन ये यूज होना है, इसके बिना हम बाकी प्रोग्राम्स नहीं कर सकते हैं। उन्होंने पता नहीं ये क्यों मेंशन नहीं किया आपके सिलेबस में, लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया, ताकि आप बाकी प्रोग्राम्स को अच्छे से समझ पाओ कि ये कैसे वर्क हो रहे हैं। वो प्रोग्राम करने से पहले आपको एक डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट बाय गेट एलिमेंट पता होना चाहिए, और दूसरा आपको इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए, और तीसरा आपको इवेंट्स पता होने चाहिए कि जावास्क्रिप्ट में कौन कौन से इवेंट है और इवेंट का क्या मतलब है। इवेंट का मतलब है कोई भी की प्रेस कर रहे हैं तो इवेंट है, बटन प्रेस कर रहे हैं तो इवेंट है, विंडो का साइज कम ज्यादा कर रहे हैं वो भी एक इवेंट है, ठीक है, विंडो को क्लोज कर रहे हैं वो भी एक इवेंट हो रहा है। समझ आया इवेंट कंसेप्ट, क्लियर हुआ कुछ थोड़ा सा कि क्या है इवेंट्स? बाकी जैसे जैसे प्रोग्राम करते जाएंगे तब समझ आएगा। ओके, सोनू को भी क्लियर है, अमरजीत क्लियर, सुमन, नवजीत, ओके, ठीक है। अब उसके बाद बच्चे जो नेक्स्ट हम अपना टॉपिक करेंगे दैट इज फंक्शंस, ठीक है। जैसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्लस प्लस के अंदर आपने फंक्शंस किए हैं, सेम वैसे ही जावास्क्रिप्ट के अंदर भी हम फंक्शंस कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हैं। तो फंक्शन क्या चीज है, जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड डिजाइन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। ओके, कोई भी हमें कोई पर्टिकुलर टास्क को अगर हम परफॉर्म करना चाहते हैं तो वो किसकी हेल्प के साथ हो सकता है, विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। एंड जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड व्हेन समथिंग इनवोक इट, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो फंक्शन क्या है, वो एग्जीक्यूट होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या मतलब है इस चीजों का, कैसे फंक्शन बनता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो इसका हम सबसे पहले सिंटेक्स देखते हैं। तो जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज डिफाइंड विद द फंक्शन कीवर्ड, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। कोई भी जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन का कंसेप्ट करना है, फंक्शन को डिफाइन करना है, तो सबसे पहले एक फंक्शन कीवर्ड लगाना होगा साथ में, और फंक्शन जो है वो स्मॉल लेटर में ही आपको लिखना है। समझ आया? देन फॉलोड बाय अ नेम, फॉलोड बाय अ नेम का क्या मतलब, पहले फंक्शन कीवर्ड, देन उसके बाद फंक्शन का नाम, क्लियर। Then followed by parenthesis. उसके बाद हम क्या लिखेंगे, फंक्शन के नाम के बाद आगे क्या लगा देंगे, parenthesis लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट लाइन इज फंक्शन नेम कैन कंटेन लेटर्स डिजिट्स अंडरस्कोर्स एंड डॉलर साइंस। जैसे हमने वेरिएबल डिक्लेयर करवाते टाइम कुछ रूल्स पढ़े थे, इसी तरह से फंक्शन का नेम जब लिखना है तो उसके लिए भी कुछ रूल्स हैं कि हम लेटर्स यूज कर सकते हैं, डिजिट्स यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, डॉलर साइंस यूज कर सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट लाइन इज द पैरेंथेसिस मे इंक्लूड पैरामीटर नेम्स सेपरेटेड बाय कॉमास, ठीक है। पैरेंथेसिस के अंदर हम पैरामीटर्स पास करवाते हैं, हम आर्गुमेंट पास करवाते हैं, ओके। एंड द लास्ट लाइन इज द कोड टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द फंक्शन इज प्लेस्ड इनसाइड कर्ली ब्रैकेट, जो भी हमने अपना कोड लिखना है, जो स्टेटमेंट्स हैं वो किसमें आएंगी, वो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आएंगी। इसी तरह से हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी हम ऐसे ही वर्क करते हैं, सिर्फ जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको एक फंक्शन कीवर्ड साथ में यूज करना है जब हमें कोई भी फंक्शन को डिफाइन करना है। नेक्स्ट लाइन, अब यहाँ पे उसने प्रॉपर सिंटेक्स बताया है, फर्स्ट इज फंक्शन कीवर्ड, यहाँ पे स्मॉल एफ आएगा फंक्शन, देन फंक्शन नेम, फंक्शन नेम कुछ भी आप रख सकते हो, एबीसी सीडी कुछ भी फंक्शन नेम, देन ब्रैकेट स्टार्ट,
देन पैरामीटर्स, पैरामीटर 1, 2, 3 पैरामीटर्स हम देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कर्ली ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर हम कोड लिखेंगे अपना, जो भी स्टेटमेंट्स हम एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, राइट। नेक्स्ट लाइन, फंक्शन पैरामीटर्स आर लिस्टेड इनसाइड द पैरेंथेसिस इन द फंक्शन डेफिनेशन। ये क्लियर है कि पैरामीटर्स जो हैं वो पैरेंथेसिस के अंदर ही हम लिखेंगे जहां पे हमने फंक्शन को डिफाइन करना होगा, समझ आया। अब नेक्स्ट इसके अंदर टॉपिक आता है फंक्शन इन्वोकेशन। फंक्शन इन्वोकेशन का मतलब है फंक्शन कॉलिंग, क्लियर। फंक्शन इन्वोकेशन मीन्स फंक्शन को कॉल करना, ठीक है। एंड फंक्शन कब कॉल हो सकता है, उसने ये तीन चीजें बताई है, व्हेन एन इवेंट अकर, जब कोई इवेंट अकर हो रहा है। इवेंट का क्या मतलब, व्हेन अ यूजर क्लिक का बटन, ठीक है। यूजर क्या है, एक बटन को क्लिक कर रहा है, जैसे उसने बटन को क्लिक किया उस टाइम पे मैंने कोई फंक्शन को कॉल किया और उस फंक्शन के अंदर जो कोडिंग लिखी होगी वो कोडिंग मेरी परफॉर्म होगी, वो नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको बताती हूँ मैं कि कैसे करना है, ठीक है। सेकंड फंक्शन कब वो कॉल हो सकता है, व्हेन इट इज इनवोक्ड कॉल फ्रॉम जावास्क्रिप्ट कोड। सिंपल, मैंने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा तो उस पे भी मैं अपना फंक्शन को कॉल कर सकती हूँ। सिंपल, जैसे हम प्रोग्रामिंग करते हैं, डॉट लिख के फंक्शन का नाम लिखते हैं, उसको कॉल कर लेते हैं। और लास्ट है कि कई बार ऑटोमेटिकली सेल्फ इनवोक्ड भी होते हैं फंक्शन, अपने आप को वो खुद कॉल करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम थ्री वेज हैं हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट इज फंक्शन रिटर्न। फंक्शन रिटर्न का क्या मतलब है, व्हेन जावास्क्रिप्ट रीचेज अ रिटर्न स्टेटमेंट द फंक्शन विल स्टॉप एग्जीक्यूटिंग, ठीक है। ये आप लोगों ने पहले भी किया होगा, रिटर्न स्टेटमेंट हम यूज करते हैं, वो क्या करती है, हम फंक्शन को वहां पे एग्जीक्यूशन उसकी स्टॉप कर देती है और वो फंक्शन हमें वैल्यू जो है वो रिटर्न करता है, ठीक है। मेन रिटर्न फंक्शन का क्या मतलब होता है, वैल्यू रिटर्न करना। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं इसको एक प्रोग्राम के साथ आपको करवाती हूँ, फिर आप लोगों को ज्यादा क्लियर होगा कि कैसे इसको फंक्शन बनाने हैं और कैसे ये वैल्यू को रिटर्न करेगा। ध्यान से प्रोग्राम को देखना है। प्रोग्राम है कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एंड रिटर्न द रिजल्ट। हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर दो नंबर हैं और उनका हमें प्रोडक्ट करना है, उनको मल्टीप्लाई करना है और उसका रिजल्ट जो है वो रिटर्न करना है। तो प्रोग्राम कैसे बनेगा, डॉक टाइप HTML लिखा, देन नेक्स्ट इज HTML, देन नेक्स्ट आई यूज बॉडी टैग, देन H2, ठीक है। साथ साथ में बेटा आप आउटपुट भी चेक करते जाना कैसे ये आउटपुट आ रही है, तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। सबसे पहले मैंने यूज किया हुआ है H2 टैग, तो H2 टैग के अंदर लिखा है जावास्क्रिप्ट फंक्शंस, तो आप साइड पे देख सकते हो जावास्क्रिप्ट फंक्शन आपको शो हो रहा है। नेक्स्ट लाइन मैंने पी एक टैग यूज किया, सिंपल पी टैग है, इसके अंदर ये एक लाइन लिखी हुई है एज इट इज, वो लाइन आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रही है। नेक्स्ट लाइन पे मैंने एक अनदर पी टैग को यूज किया है जिसको मैं असेस आगे फर्दर अपने प्रोग्राम में उसके अंदर कुछ चेंजेस करना चाहती हूँ, ऐसी मेरी रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, पी आई डी मैंने उसको दी है डेमो नाम की और इसके अंदर कुछ कंटेंट नहीं लिखा हुआ। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना है। जो पहले प्रोग्राम करवाया था उसमें मैंने फर्स्ट लिखा हुआ था, इसमें कुछ नहीं है, मैंने पी को क्लोज कर दिया, समझ आया। लेकिन इसकी आईडी मैंने डेमो दी हुई है। अब नेक्स्ट लाइन पे मैंने स्क्रिप्ट को यूज किया, स्क्रिप्ट हम यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए। देन नेक्स्ट लाइन पे क्या लिखा है, वेयर एक्स इज इक्वल टू माई फंक्शंस 4,3। अब इस लाइन का क्या मतलब है, एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया, वेयर हम यूज करते हैं, कीवर्ड यूज करते हैं किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करवाने के लिए। सो एक्स क्या है, वेरिएबल है, इज इक्वल टू माई फंक्शन। माई फंक्शन क्या है, नेम ऑफ द फंक्शन, कोई फंक्शन बनाया होगा उसका नाम लिखा है और ब्रैकेट के अंदर दो पैरामीटर दो वैल्यू पास करवाई है 4,3, समझ आया। 4,3 मैंने वैल्यू जो है वो करवाई है। और इस लाइन का क्या मतलब है, जो लिखा है वेयर एक्स इज इक्वल टू माई फंक्शन, जब सिंपल एक फंक्शन का नाम लिखा हो इसका मतलब हम फंक्शन को क्या करें, कॉल कर रहे हैं, ठीक है। फंक्शन इन्वोकेशन हो रहा है तो इससे क्या होगा, मेरा कंट्रोल कहाँ पे जाएगा इस लाइन के बाद, जहां पे मैंने माई फंक्शन नाम का फंक्शन बनाया होगा, जहां पे मैंने उसको डिफाइन किया होगा, तो वो क्या करेगा, इस लाइन से स्किप करके कौन सी लाइन पे चला जाएगा, ये थर्ड वाली लाइन जहां पे लिखा हुआ है फंक्शन माई फंक्शन ब्रैकेट के अंदर a,b, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया फंक्शन को डिफाइन करने के लिए फंक्शन कीवर्ड यूज होगा, नेम ऑफ द फंक्शन इज माई फंक्शन, टू पैरामीटर्स a एंड b। a एंड b का क्या मतलब है, अब a को क्या वैल्यू जाएगी, 4 वैल्यू,
बी को कितनी वैल्यू जाएगी, 3 वैल्यू, समझ आया। और इसके अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो कर्ली ब्रैकेट के साथ आती हैं, कर्ली ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे, देन मैंने कौन सी स्टेटमेंट यूज की है, रिटर्न स्टेटमेंट यूज की है। रिटर्न क्या कर रही है, ए मल्टीप्लाई बाय बी, ए मल्टीप्लाई मी मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 12, समझ आया। इस फंक्शन ने जिसका नाम था माई फंक्शन, उसने मेरे को क्या वैल्यू रिटर्न की, 12 वैल्यू रिटर्न की, और 12 किसके अंदर जाके स्टोर हो चुकी है, x के अंदर जाके स्टोर हो चुकी है, समझ आया। अब नेक्स्ट लाइन पे उसको क्या मिला, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, कौन सी आईडी, डेमो। अब वो क्या करेगा, डेमो को सर्च करना स्टार्ट करेगा, सर्च करते हुए वहां पे उसको p मिलेगा, p मिलेगा जिसकी आईडी क्या है, डेमो है, लेकिन इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई। तो नेक्स्ट लाइन पे क्या लिखा मैंने, डॉट इनर html इज इक्वल टू x, इक्वल टू x का क्या मतलब है, डॉट इनर html की हेल्प के साथ वो क्या करेगा, इस पे जाएगा, इसने आईडी को ढूंढा, डेमो को ढूंढा, ठीक है, इज इक्वल टू x, x के अंदर कितनी वैल्यू है, 12 वैल्यू है, तो 12 वैल्यू जो है वो कहां पे जाके राइट हो जाएगी, इस p टैग के साथ जाके राइट हो जाएगी, और हमें आउटपुट इस तरह से आएगी, सबसे पहले जावास्क्रिप्ट फंक्शन, फिर p के अंदर जो लाइन लिखी वो आएगी, और नेक्स्ट लाइन पे जो है वो 12 वैल्यू आपको शो करेगा, समझ आया। ये मैंने डॉम का कंसेप्ट यूज किया, डॉम की हेल्प के साथ, इनर HTML की हेल्प के साथ मैंने वहां पे वैल्यू जो है वो राइट करवाई है, न्यू वैल्यू ऐड करवाई है उस एलिमेंट के ऊपर। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये प्रोग्राम क्लियर हुआ सबको कि कैसे फंक्शन बनाया, कैसे वैल्यू 12 वहां पे गई, क्या मतलब है उस चीज का, क्लियर है सबको। ओके राजू क्लियर, संजीव क्लियर, सिद्धार्थ क्लियर, विक्की क्लियर, ओके, महक, सवरीत, सोनू, नवजीत, निशान, सोनू आपको क्लियर है, बच्चे सोनू वो पहले पैराग्राफ को नहीं असेस करेगा क्योंकि उसके साथ तो मैंने आईडी दी ही नहीं है, जिसके साथ आईडी दी है और आईडी का नाम जो रखा है उसके अकॉर्डिंग ही उसको वो असेस करेगा, ठीक है। सपोज यहाँ पे मैंने दो पैराग्राफ बनाए होते, एक का आईडी डेमो 1 दिया होता, एक का आईडी डेमो 2 दिया होता, और नीचे सिर्फ मैं बोलती असेस करो डेमो 1 को, वो डेमो 1 को ही असेस करेगा, उसको 2 का कोई लेना देना नहीं है, उसके ऊपर ही चेंजेस होंगे। क्लियर सोनू, ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक बेटा जावास्क्रिप्ट, डायलॉग बॉक्सेस, पॉपअप बॉक्सेस, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जावास्क्रिप्ट के अंदर, हम डिफरेंट डिफरेंट पॉपअप बॉक्सेस को यूज करेंगे या फिर डायलॉग बॉक्सेस भी उसको बोल सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट हैज 3 काइंड ऑफ पॉपअप बॉक्सेस, 3 तरह के पॉपअप बॉक्सेस, डायलॉग बॉक्सेस जावास्क्रिप्ट के अंदर होते हैं। द नंबर 1 इज अलर्ट बॉक्स, हाँ जी सोनू वो भी हम करवा सकते हैं, वो अलग हमारी कोडिंग का वे होगा, ठीक है, उसके थ्रू भी हो जाएगी, ये सिर्फ इस प्रोग्राम के अंदर मैंने रिटर्न स्टेटमेंट को यूज करके बताया है। So JavaScript has 3 kind of pop-up boxes. Number 1 is alert box, second confirm box, and third is prompt box. अब तीनों में क्या difference है वो देखते हैं। Number 1 alert box. So alert box is often used if you want to make sure information comes through the user. And when an alert box pop up, the user will have to click OK to proceed. ठीक है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि आप वेब पेजेस के ऊपर काम करते हो, वेबसाइट के ऊपर काम करते हो, कई बार एक छोटे छोटे बॉक्सेस आते हैं, ठीक है, वार्निंग्स आती हैं, कुछ अलर्ट इन नोटिफिकेशंस आ रही होती हैं, छोटे छोटे बॉक्स जो हैं वो डिस्प्ले होते हैं स्क्रीन के ऊपर,
ठीक है, वही छोटे छोटे बॉक्स हम तीन तरह के यूज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो सबसे पहले जो बॉक्स होता है वो अलर्ट बॉक्स होता है, कि कोई वार्निंग देना चाहते हैं हम यूजर को तो उस टाइम पे हम अलर्ट बॉक्स को यूज कर सकते हैं। कोई नोटिफिकेशन देनी है तो हम अलर्ट बॉक्स को यूज कर सकते हैं। और अलर्ट बॉक्स के अंदर सिर्फ एक ही बटन साथ में होता है जिसके लिए बस यूजर को ओके ही करना है, ठीक है, वो श्योर है कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन ठीक है। ठीक है, जो भी उसको अगर वार्निंग दे रहे हैं तो बस वो ओके के ऊपर क्लिक करें और आगे प्रोसीड करें। तो उस केस के अंदर हम अलर्ट बॉक्सेस को यूज करते हैं। और इसका जो सिंटेक्स होता है वो है अलर्ट कीवर्ड लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो भी हम उस अलर्ट बॉक्स के अंदर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वो हम लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, प्रोग्राम के साथ देखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। अब बच्चे इस प्रोग्राम के अंदर मैं इवेंट्स भी यूज करूंगी, ठीक है, और आपको एक अलर्ट बॉक्स भी डिस्प्ले करके बताऊंगी और फंक्शन का कंसेप्ट भी यूज करूंगी। तीन चीजें यूज हो रही हैं, ध्यान से प्रोग्राम देखना। नंबर वन इज डॉक टाइप एचटीएमएल, एचटीएमएल लिखा, बॉडी लिख दिया, ठीक है। एच टू लिखा, जावास्क्रिप्ट अलर्ट लिखा है, साथ में आपको आउटपुट भी देखनी है। ये ऊपर वाला बॉक्स देखना है, ऊपर सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट अलर्ट। अब नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन क्या कह रही है, बटन। मैंने आपको पहले बताया कि हम एक बटन यूज करेंगे एलिमेंट, बटन के साथ ऑन क्लिक। ऑन क्लिक क्या है, डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, जिसमें से मैंने एक इवेंट यूज किया ऑन क्लिक। ऑन क्लिक क्या करता है कि बटन के क्लिक के ऊपर कुछ परफॉर्म करेगा, इसलिए तो ऑन क्लिक इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर मैंने क्या लिखा, माई फंक्शन, आगे दो ब्रैकेट्स। माई फंक्शन क्या है, मेरे फंक्शन का नाम है, ठीक है। अब इसको क्लोज करने के बाद आप देखो यहाँ पे मैंने ये ब्रैकेट को क्लोज किया और आगे लिखा है ट्राइट। ट्राइट क्या है, बटन नेम, नेम ऑफ द बटन, ठीक है। लास्ट पे बटन को क्या कर दिया मैंने, क्लोज कर दिया बटन टैग। अब साइड पे देखो यहाँ पे एक किस तरह से एक छोटा सा बटन अपने आप आएगा और उस बटन का जो भी आपने नाम रखा होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने नाम रखा ट्राई इट, ठीक है। अब ये पूरी लाइन का क्या मतलब है, पूरी लाइन का मतलब है कि ट्राई इट बटन के ऊपर क्लिक करूंगी तो माई फंक्शन परफॉर्म होगा, ठीक है। अब हमें देखना है कि माई फंक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है, तो माई फंक्शन की कोडिंग कहाँ किस कहाँ कैसे लिखी है मैंने, स्क्रिप्ट के अंदर मैंने एक फंक्शन कीवर्ड यूज किया जो हमें जावास्क्रिप्ट में करना पड़ता है किसी भी फंक्शन को बनाने के लिए। तो फंक्शन कीवर्ड, देन नेम ऑफ द फंक्शन, कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या लिखा है अलर्ट। अलर्ट जब यूज कर लिया इसका मतलब कोई बॉक्स आएगा, ठीक है। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखेंगे, टेक्स्ट मैंने लिखा आई एम एन अलर्ट बॉक्स, या आप कोई वार्निंग देना चाहते हो यूजर को, डिस्प्ले करवाना चाहते हो तो वो वार्निंग आप यहाँ पे लिख सकते हो। इसको क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे, स्क्रिप्ट क्लोज करेंगे, बॉडी एंड एचटीएमएल टैग को क्लोज कर देंगे। अब साइट पे आप ये आउटपुट चेक करो, मैंने ट्राई इट के ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने पे इस तरह से ये छोटा सा बॉक्स आया, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर जो पहली लाइन आपको दिखाई दे रही है एन एम्बेडेड पेज ऑन दिस पेज सेज, ये ऑटोमेटिकली बेटा आती है, इसका कोई लेना देना नहीं है। हो सकता आपके ब्राउजर में आए ना आए, मेरे ब्राउजर में आ रही थी तो इस तरह से मैंने इसकी आउटपुट उठाई। लेकिन नेक्स्ट लाइन पे देखो क्या लिखा है, आई एम एन अलर्ट बॉक्स, जो टेक्स्ट मैंने अलर्ट के अंदर लिखा था वो यहाँ पे यूजर को डिस्प्ले होगा और एक ही बटन आएगा ओके का, ठीक है। मेरे को ओके प्रेस करना है और आगे प्रोसीड करना है। समझ आया, अलर्ट बॉक्स सबको क्लियर है, अलर्ट बॉक्स क्लियर है सबको। हाँ जी सोनू, बाय डिफॉल्ट अलर्ट की यही वो उसका कह सकते हो आप अपीयरेंस ही उसकी इस तरह से आपको होगी कि एक छोटा सा बॉक्स आएगा और उसके नीचे ओके लिखा होगा, ये बाय डिफॉल्ट ही ओके आएगा। ओके सवरीत, महक, निशान, राजू, राकेश, ऋषभ, साहिल, शिवम, सुमन, तानिया, विक्की, तजिंदर, अलर्ट बॉक्स इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, अब नेक्स्ट पॉपअप बॉक्स देखते हैं कि कौन सा है हमारे पास जावास्क्रिप्ट में, दैट इज कंफर्म बॉक्स। अलर्ट बॉक्स के बाद कंफर्म बॉक्स है। सो कंफर्म बॉक्स इज ऑफन यूज इफ यू वांट द यूजर टू वेरीफाई और एक्सेप्ट समथिंग। व्हेन अ कंफर्म बॉक्स पॉप्स अप द यूजर विल हैव टू क्लिक आइदर ओके
और कैंसल टू प्रोसीड। अब इसके अंदर क्या है, अलर्ट बॉक्स के अंदर तो सिर्फ बाय डिफॉल्ट एक ही बटन आता है ओके का, कि हम ओके ही करेंगे, ठीक है। लेकिन कंफर्म बॉक्स जब हम यूज करते हैं कि हमारी इस तरह की रिक्वायरमेंट है कि यूजर ओके भी कर सकता है और यूजर कैंसल भी कर सकता है, दो बटन आ सकते हैं इस केस में। इफ द यूजर क्लिक ओके द बॉक्स रिटर्न ट्रू वैल्यू, एंड इफ द यूजर क्लिक कैंसल कर देगा तो बॉक्स क्या करेगा, कुछ फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। वो हम आगे प्रोग्राम में देखेंगे कि ट्रू होने पे क्या डिस्प्ले हो और अगर कैंसल का बटन दबाएं तो क्या डिस्प्ले होगा। अगर हमारे पास दो ऑप्शन आ जाए तो उस केस में हम कंफर्म बॉक्स को यूज करेंगे, ठीक है। छोटा सा कंफर्म बॉक्स वो यूजर को दिखाई देगा। सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स है विंडो डॉट कंफर्म, ठीक है बच्चे। यहाँ पे जो विंडो प्रीफिक्स है वो आप चाहे नहीं भी यूज करोगे तब भी ये वर्क करेगा, जैसे अलर्ट वर्क करता है। अगर आप अलर्ट के साथ भी विंडो लगा दोगे तब भी वो वर्क करेगा, ठीक है। इसने नीचे लिखा हुआ है द विंडो डॉट कंफर्म मेथड कैन बी रिटर्न विदाउट दी विंडो प्रीफिक्स। तो आप सिंपल लिखो कंफर्म ब्रैकेट के अंदर सम टेक्स्ट। प्रोग्राम देखते हैं तो हमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा। प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले H2 जावास्क्रिप्ट कंफर्म बॉक्स लिखा है, देन अगेन एक बटन, ठीक है। बटन है तो इसका मतलब एक छोटा सा बटन तो डिस्प्ले होगा। क्या फंक्शन है, इवेंट कौन सा, ऑन क्लिक, बटन के क्लिक के ऊपर। फिर दोबारा से क्या होगा, माय फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। और बटन का नाम क्या है, ट्राई इट, बटन को क्लोज कर दिया। नेक्स्ट लाइन पे क्या लिखा है, PID इज इक्वल टू डेमो, ठीक है। अब मैंने इस एलिमेंट के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, उसको आईडी मैंने दी हुई है डेमो, लेकिन कंटेंट कुछ भी नहीं लिखा, पी को यहाँ पे मैंने कर दिया क्लोज, ठीक है। अब स्क्रिप्ट के अंदर मैंने फंक्शन को लिखा, जो माई फंक्शन ऊपर मैंने बनाया कि बटन के क्लिक के ऊपर कुछ परफॉर्म हो तो क्या परफॉर्म होगा। अब यहाँ पे मेरे को एक वेरिएबल बनाना पड़ा TXT, ये वेरिएबल क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि इस केस के अंदर कंफर्म बॉक्स के अंदर दो वैल्यूज आती हैं, ओके या फिर कैंसल, ठीक है, या ट्रू या फॉल्स। तो उसके लिए ट्रू फॉल्स के लिए मेरे को एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, उसके अंदर ही वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है। वेरिएबल बनाया TXT नाम का। अब मैंने इफ एल्स यूज की है, इफ एल्स हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं। तो इफ एल्स के अंदर क्या है, इफ ब्रैकेट स्टार्ट की कंफर्म लिखा, कंफर्म लिखने से क्या होगा, एक छोटा सा बॉक्स आएगा, ठीक है। अब उस बॉक्स के अंदर क्या लिखा होगा, प्रेस द बटन, प्रेस द बटन लिखा हुआ आएगा। अगर तो बटन प्रेस कर दिया, TXT के अंदर क्या आएगा, यू प्रेस ओके, ठीक है। अगर ओके को प्रेस करती हूं तो लिखा हुआ आएगा यू प्रेस ओके, एल्स अगर TXT के अंदर मैं कैंसिल कर देती हूं तो क्या लिखा आएगा, यू प्रेस कैंसल। समझ आया, दोनों में से जो भी वैल्यू होगी वो किसकी वैल्यू होगी, वो TXT की वैल्यू होगी, क्योंकि ये वेरिएबल है ना TXT, जहां तो उसके अंदर यू प्रेस ओके आएगा या फिर आएगा यू प्रेस कैंसल। और उसके बाद नेक्स्ट लाइन से उसको क्या लिखा मैंने, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, कौन सी आईडी, डेमो नाम की आईडी को ढूंढो और उसके अंदर क्या लिख दो जो TXT की वैल्यू है। TXT की वैल्यू वो डिपेंड करता है कि वो ओके को प्रेस कर रहा है कि वो कैंसिल को प्रेस कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। अब हम आउटपुट देखते हैं। आउटपुट में सबसे पहले हमने क्या लिखा, H2 जावास्क्रिप्ट कंफर्म बॉक्स आ गया, जावास्क्रिप्ट कंफर्म बॉक्स। नेक्स्ट हमने लाइन यूज की बटन वाली, बटन ऑन क्लिक, ये बटन आ गया छोटा सा बटन, उसका ऊपर क्या लिखा हुआ है, ट्राई इट उसका नाम है। अब मैंने इस बटन को क्लिक कर दिया, ठीक है। अब इस क्लिक करने पे क्या हुआ, नीचे कोडिंग लिखी हुई है मैंने, क्लिक करने पे ये फंक्शन परफॉर्म होगा, फंक्शन को कॉल किया माई फंक्शन को, और माई फंक्शन के अंदर ये इफ एल्स लगाया था। इफ एल्स के अंदर क्या था, इफ के अंदर पहले कंफर्म लगाया जिसके अंदर लिखा है प्रेस अ बटन। अब ये एक कंफर्म बॉक्स आ गया, ठीक है, इसके अंदर लिखा हुआ आ रहा है प्रेस अ बटन। ये आप देख सकते हो दो बटन अपने आप आएंगे, एक ओके होगा और एक क्या होगा, कैंसल, ठीक है। अब कोडिंग में क्या लिखा था, अगर ओके है तो क्या TXT की वैल्यू हो जाएगी, यू प्रेस्ड ओके। ओके पे क्लिक करेंगे तो क्या लिखा आ जाएगा, यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो यू प्रेस्ड ओके लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अगर इन केस मैं कैंसल के ऊपर करती हूँ तो क्या लिखा आएगा, यू प्रेस्ड कैंसल, ठीक है। और ये जो दो वैल्यूज है, यू प्रेस ओके और यू प्रेस कैंसल, ये कौन से एलिमेंट के ऊपर जाके एड हो रही है, जिसकी आईडी डेमो है। किसकी आईडी डेमो है, ये पी वाले की आईडी डेमो है। और इनर डॉट HTML जो है वो क्या कर रही है, TXT की वैल्यू को यहाँ पे राइट कर रही है और हमें इस तरह से आउटपुट दिखाई दे रही है। क्लियर कंफर्म बॉक्स, प्रोग्राम समझ आ गया सबको,
ओके, सोनू क्लियर, संजीव क्लियर, अमरजीत क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद बच्चे लास्ट टाइप का जो डायलॉग बॉक्स है जावास्क्रिप्ट के अंदर, दैट इज प्रॉम्प्ट बॉक्स। ठीक है, प्रॉम्प्ट बॉक्स इज ऑफन यूज इफ यू वांट द यूजर टू इनपुट अ वैल्यू बिफोर एंटरिंग अ पेज। अब इसके अंदर प्रॉम्प्ट बॉक्स के अंदर क्या होगा, बटन दो ही आएंगे इस केस में भी, ओके भी आएगा कैंसल भी आएगा, लेकिन इसका डिफरेंस क्या होगा कंफर्म बॉक्स से, कि प्रॉम्प्ट बॉक्स के अंदर हम यूजर से कुछ एंटर करवाएंगे, कुछ इनपुट वैल्यू वो एंटर करेगा, एंटर करने के बाद वो सोचेगा कि उसको ओके पे करना है, उसको कैंसल करना है। समझ आया, ये इसका डिफरेंस है। इफ द यूजर क्लिक ओके द बॉक्स रिटर्न द इनपुट वैल्यू, ठीक है, अगर ओके पे क्लिक करेंगे जो भी बॉक्स के अंदर इनपुट की होगी वैल्यू वो रिटर्न होगी, एंड इफ द यूजर क्लिक कैंसल द बॉक्स रिटर्न नल वैल्यू। ठीक है, सिंटेक्स सेम सिंटेक्स रहेगा। यहाँ पे देखो विंडो आपकी मर्जी है, ये प्रीफिक्स नहीं भी लगाओगे तो वर्क करेगा। प्रॉम्प्ट अब इसके अंदर क्या होगा, कुछ टेक्स्ट कॉमा डिफॉल्ट टेक्स्ट। अब डिफॉल्ट टेक्स्ट का क्या मतलब है वो मैं नेक्स्ट आपको प्रोग्राम के साथ बता रही हूँ तो क्लियर होगा। अब प्रोग्राम देखते हैं, इस प्रोग्राम के अंदर H2 मैंने यूज किया, जावास्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट लिखा है, ठीक है, बटन लगाया उसके ऊपर मैंने, ऑन क्लिक लगाया, किसको कॉल किया, माई फंक्शन को कॉल कर दिया, बटन का नाम ट्राइट रखा है, फिर एक आईडी पी लिया टैग, उसकी आईडी मैंने डेमो दी हुई है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन स्क्रिप्ट पे आए, स्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन को मैंने डिफाइन किया, डिफाइन करने के लिए फंक्शन कीवर्ड यूज करेंगे, फंक्शन माई फंक्शन इज द नेम ऑफ द फंक्शन। देन उसके अंदर हमें अगेन TXT नाम का वेरिएबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी हम इफ एल्स को यूज करेंगे, ट्रू हो सकती है वैल्यू, वैल्यू फॉल्स भी हो सकती है, क्लियर। सो वायर TXT। अब यहाँ पे एक मैंने और एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है जिसका नाम मैंने रखा हुआ है पर्सन, ठीक है, एक और वेरिएबल है जिसका नाम है पर्सन। सो वेयर पर्सन इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट। अब ये प्रॉम्प्ट लिखने से क्या होगा, एक बॉक्स डिस्प्ले होगा, बॉक्स के अंदर क्या लिखा हुआ आएगा, मैंने अभी सिंटेक्स में बताया, फर्स्ट हम क्या लिखते हैं, जो कोई टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना चाहते हो, तो टेक्स्ट में डिस्प्ले करवाना चाहती हूँ, प्लीज एंटर योर नेम। उसके बाद डिफॉल्ट टेक्स्ट मतलब हैरी पॉटर, हैरी पॉटर वहां पे डिफॉल्ट ही रहेगा, उसको आप डिलीट करोगे और उसकी जगह पे कुछ न्यू वैल्यू अगर आप ऐड करना चाहते हो तो वो आप करोगे। समझ आया। अब नेक्स्ट केस में मैंने इफ एल्स लगाई, वो कहता इफ पर्सन इज इक्वल इक्वल टू नल और पर्सन इज इक्वल इक्वल टू एम्प्टी, जहां तो पर्सन की जो वैल्यू बाय डिफॉल्ट हैरी पॉटर आ रही है उसको डिलीट कर दो, या तो खाली छोड़ दो या फिर नल लिख दो, तो उस केस में TXT की वैल्यू क्या आएगी, यूजर कैंसल दी प्रॉम्प्ट। ठीक है, ये दोनों कंडीशन कब होंगी, जब वो कैंसल के बटन के ऊपर क्लिक कर देगा। एल्स क्या होगा, अगर कैंसल नहीं किया, उसने कोई वैल्यू ऐड की है, तो उस केस में TXT की वैल्यू क्या हो जाए, सबसे पहले लिखा हुआ है हेलो प्लस पर्सन का नाम लिखा हुआ है प्लस उसके बाद क्या लाइन आए, हाउ आर यू टुडे। ठीक है, इस तरह से ये तीन चीजें वो डिस्प्ले हो जाए अगर वो कुछ एंटर करवाता है। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन पे उसको क्या मिले, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी किसको ढूंढनी है, उसने डेमो को ढूंढेगा, डेमो उसको इस पोजीशन पे मिलेगा, पी पी एलिमेंट को वो सर्च कर लेगा और उस जगह पे क्या राइट करवाएगा, जो TXT की वैल्यू हो। अब आउटपुट देखते हैं, आउटपुट कैसे आएगी, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है H2 के अंदर, जावास्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट आ गया, जावास्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट ये लिखा है। नेक्स्ट लाइन पे क्या यूज किया था, बटन ऑन क्लिक, ट्राइट बटन का नाम, ये छोटा सा बटन ट्राइट उसका नाम। नेक्स्ट लाइन पे इस फंक्शन के ऊपर चले गए, इस फंक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले प्रॉम्प्ट यूज किया, प्रॉम्प्ट के अंदर क्या लिखा है, प्लीज एंटर योर नेम। तो इस तरह से बॉक्स आएगा, ये लिखा ऊपर प्लीज एंटर योर नेम, उसके नीचे इस तरह से एक अलग बॉक्स होगा टेक्स्ट बॉक्स, उसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू मैंने क्या दी अपने प्रोग्राम के अंदर, हैरी पॉटर, ये हैरी पॉटर लिखा हुआ आ रहा है। नीचे दो बटन शो हो रहे हैं, ओके और कैंसिल। अगर मैं हैरी पॉटर को डिलीट कर देती हूँ, कुछ नहीं लिखती हूँ और कैंसिल को प्रेस करती हूँ, तो उस केस में क्या लिखा हुआ आएगा, मैंने कोडिंग में क्या लिखा है, यूजर कैंसिल दी प्रॉम्प्ट, तो यूजर कैंसिल दी प्रॉम्प्ट आपको आएगा। नहीं तो अदरवाइज यहाँ पे मैंने क्या किया, हैरी पॉटर को डिलीट करके मैंने खुद का नाम लिखा और ओके प्रेस किया, तो लिखने के बाद मेरे को क्या डिस्प्ले होगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा था, सबसे पहले हेलो आए, फिर पर्सन का नाम आए, फिर आए हाउ आर यू टुडे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अपना नाम लिखा था, हेलो आ रहा है, उसके बाद मेरा नाम आ रहा है, देन उसके बाद हाउ आर यू टुडे आ रहा है। क्लियर प्रॉम्प्ट बॉक्स।
डिफरेंस तीनों में क्लियर हो गया? अलर्ट बॉक्स, कंफर्म एंड प्रॉम्प्ट बॉक्स, तीनों क्लियर है? ओके, सुमन, राजू, सिद्धार्थ, विक्की, निशांत, तजिंदर, सकीना, ऋषभ, थैंक यू सोनू। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट पोल क्वेश्चन, फर्स्ट पोल क्वेश्चन, विच कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन द फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट? हरी अप स्टूडेंट्स, हाफ टाइम इज ओवर। ओके टाइम इज ओवर। करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन, फंक्शन। बेटा चार स्टूडेंट्स वो इंट बता रहे हैं, इंट का तो मैंने कहीं नाम ही नहीं लिया, इंट तो यूज किया ही नहीं कहीं पे। एक स्टूडेंट वॉइड कह रहा है, फंक्शन फंक्शन। मैंने कितने प्रोग्राम्स करवा दिए आपको कि फंक्शन कीवर्ड को यूज करना है? नेक्स्ट पोल क्वेश्चन सोनू, जो आपका क्वेश्चन था अभी जो आपने मेरे को पूछा था, रिटर्न की जगह पे हम कोई और यूज कर सकते हैं, तो वो एक नेक्स्ट पोल क्वेश्चन है, उसको करो। इस तरह से सोनू हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख के भी कर सकते हैं। हरी अप स्टूडेंट्स, हाफ टाइम इज ओवर।
ओके टाइम इज ओवर, करेक्ट आंसर सेकंड ऑप्शन टू। ए की वैल्यू वन है, बी की वैल्यू टू है, तो वन मल्टीप्लाई बाय टू करेंगे तो टू आंसर आएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर मैंने फंक्शन का नाम लिखा है, इस फंक्शन ने क्या वैल्यू रिटर्न की, टू वैल्यू रिटर्न की, उसको मैंने डिस्प्ले करवा दिया। ओके स्टूडेंट्स, ये दोनों पोल क्वेश्चन सबको क्लियर है? ओके नेक्स्ट टॉपिक, जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग्स। सो जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग इज जीरो और मोर कैरेक्टर्स रिटन इनसाइड कोट्स। ठीक है, जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग क्या होती है, जिस एक या एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को मिला के क्या बनता है, स्ट्रिंग बनती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब इस प्रोग्राम के अंदर क्या लिखा मैंने, डॉक टाइप HTML, HTML बॉडी, देन H2 को यूज किया है, H2 के अंदर जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग लिखा है, तो एज इट इज जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग डिस्प्ले हो गया। देन PID इज इक्वल टू डेमो, डेमो दी हुई है ID, इसके अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ। देन स्क्रिप्ट के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया और यहाँ पे स्ट्रिंग एंटर करवाई है। ठीक है, वेरिएबल है X इज इक्वल टू जॉन डॉय। ठीक है, जो डबल कोट्स के अंदर हमने लिखा हुआ है उसका क्या मतलब है, ये हमारी एक स्ट्रिंग है, समझ आया। और नेक्स्ट लाइन पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID क्या है, डेमो को ढूंढेगा, डेमो यहाँ पे उसको P के अंदर मिलेगा, डॉट इनर HTML के इक्वल क्या किया हुआ है, X की वैल्यू, X की वैल्यू क्या है, जॉन्ड है, तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। ये एक हमारी फर्स्ट वे है स्ट्रिंग को एंटर करवाने का, जो भी डबल कोट्स में हम लिखते हैं उसको हम बोलते हैं वो एक स्ट्रिंग है। ठीक है, और एक से ज्यादा जब कैरेक्टर्स मिलते हैं तो वो एक स्ट्रिंग बनती है। नेक्स्ट, यू कैन यूज सिंगल और डबल कोट्स। इसके अंदर उसने बताया कि आप सिंगल कोट में भी स्ट्रिंग लिख सकते हो, डबल कोट में भी लिख सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सेम प्रोग्राम चलेगा, ठीक है, H2 यूज किया है, P को यूज किया है, देन PID इज इक्वल टू डेमो लिखा हुआ है, देन स्क्रिप्ट के अंदर दो वेरिएबल्स बनाए हैं, फर्स्ट वेरिएबल नेम इज कार नेम 1, सेकेंड वेरिएबल नेम इज कार नेम 2, एंड वैल्यू ऑफ फर्स्ट इज वॉल्वो XC60। देखो अब डबल कोट्स में मैंने लिखा हुआ है तो ये भी एक स्ट्रिंग है। नेक्स्ट जो है सेम वैल्यू दी है लेकिन वेरिएबल का नाम तो अलग है ना, तो आप इसको मैंने सिंगल कोट्स में लिखा तो ये भी एक स्ट्रिंग होगी मेरी, ये दोनों मेरी स्ट्रिंग्स हैं। और नेक्स्ट लाइन पे मैंने क्या लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID डेमो डॉट इनर HTML इज इक्वल टू कार नेम 1, मींस कार नेम 1 की क्या वैल्यू है, वॉल्वो XC60 प्लस प्लस क्या है, ऑपरेटर है जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि स्ट्रिंग्स को कंकेटिनेट करने के लिए हम प्लस ऑपरेटर को यूज करते हैं। सो प्लस लिखने के बाद यहाँ पे मैंने डबल कोट्स के अंदर थोड़ी सी स्पेस दी हुई है, देन नेक्स्ट फिर दोबारा से प्लस लिख के मैंने क्या लिखा, कार नेम 2। तो आप देख सकते हो ये वैल्यू आपको आउटपुट इस तरह से शो होगी, और ये सारी की सारी कंकेटिनेट होके स्ट्रिंग कहाँ पे चली जाएगी, कहाँ पे राइट होगी, P एलिमेंट के अंदर राइट होगी, जिसकी ID डेमो होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये आउटपुट आपके डिस्प्ले हो जाएगी। तो जो स्ट्रिंग्स हैं जावास्क्रिप्ट में, आप उसको डबल कोट पे भी लिख सकते हो, सिंगल कोट पे भी लिख सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट है स्ट्रिंग मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज। सो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिंग मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज हैं जावास्क्रिप्ट में। सो नंबर 1 इज स्ट्रिंग लेंथ। हमें स्ट्रिंग की कोई भी लेंथ फाइंड आउट करनी है तो एक स्ट्रिंग लेंथ प्रॉपर्टी है। तो स्ट्रिंग लेंथ प्रॉपर्टी के लिए सेम प्रोग्राम है, H2 यूज किया है, P को यूज किया है, PID इज इक्वल टू डेमो दिया हुआ है। और नीचे देखो स्क्रिप्ट के अंदर मैंने एक TXT नाम का वेरिएबल बनाया, जिसके अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है, ABCD लिखी हुई है, Z तक, A से स्टार्ट करके Z तक दिया। देन नेक्स्ट लाइन के अंदर मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर करवाया जिसका नाम है SLN, स्ट्रिंग लेंथ नाम का एक वेरिएबल है, जिसके अंदर मैंने क्या लिखा है, TXT, मतलब ये पूरी की पूरी ABCD जो Z तक लिखी हुई है उसकी लेंथ पता करनी है, तो डॉट लेंथ को हम यूज करेंगे। ये इसका मेथड है स्ट्रिंग का, डॉट लेंथ, लेंथ की लेंथ फाइंड आउट जब हमें स्ट्रिंग की करती है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID डेमो, और इसके अंदर इनर HTML के अंदर किसकी वैल्यू राइट हो जाए, SLN की वैल्यू राइट हो जाए, कि जो भी लेंथ है वो वैल्यू चली जाए। लेंथ कितनी है, ABCD कितनी लेंथ होती है इसकी, 26 होती है, तो 26 जो है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। समझ आया, स्ट्रिंग लेंथ एक फर्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट इज फाइंडिंग अ स्ट्रिंग इन अ स्ट्रिंग। ठीक है, इसके अंदर हम दो मेथड्स को यूज करते हैं
जावास्क्रिप्ट में जब हमें किसी स्ट्रिंग को फाइंड आउट करना है किसी स्ट्रिंग में से. फर्स्ट मेथड इज द इंडेक्स ऑफ मेथड. द इंडेक्स ऑफ मेथड रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ स्पेसिफाइड टेक्स्ट. इसका क्या मतलब है, जो इंडेक्स ऑफ मेथड है वो क्या करेगा, स्ट्रिंग को फाइंड करेगा, लेकिन स्ट्रिंग फाइंड होगी फर्स्ट पोजीशन से. समझ आया, वो लास्ट को नहीं देखेगा. मतलब सपोज एक लाइन के अंदर सेम स्ट्रिंग दो तीन बार यूज हुई है जिसको मैं सर्च करना चाहती हूँ, तो वो क्या करेगा, वो नंबर मेरे को वही देगा जो उसको फर्स्ट पे मिल जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, प्रोग्राम के साथ क्लियर होना है. ये देखो यहाँ पे डॉक टाइप HTML सारा प्रोग्राम सेम है. H2 यूज किया है, P2 यूज किया है, PID इज इक्वल टू डेमो लिखा हुआ है. स्क्रिप्ट के अंदर मेन हमारी कोडिंग है. फर्स्ट इज ओके, मैं दोबारा से इसको, ये प्रोग्राम के अंदर सोनू लेंथ फाइंड आउट की है बेटा, एक स्ट्रिंग एंटर करवाई है. स्ट्रिंग क्या होती है, कैसे एंटर करवाते हैं, जैसे डबल कोट्स के अंदर मैंने ABCD लिखा हुआ है Z तक, ठीक है, उसकी हम लेंथ जानना चाहते हैं कि कितने करेक्टर्स हैं, कितनी लेंथ है. तो उसके लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी थी लेंथ प्रॉपर्टी. लेंथ प्रॉपर्टी को यूज करके हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम SLN रखा है, इज इक्वल टू टेक्स्ट TXT. TXT के अंदर ये सारी स्ट्रिंग है, उसकी लेंथ देखनी है. वो कैसे होगी, डॉट लेंथ के साथ हम फाइंड आउट करेंगे. तो जब ये मेथड लगा तो उसने मेरे को वैल्यू दी 26. तो 26 मैंने डॉक्यूमेंट डॉट IT की हेल्प के साथ P एलिमेंट के अंदर एड करवा दी, राइट करवा दी, ठीक है जी. नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर मैंने क्या किया है, मैंने इंडेक्स ऑफ मेथड यूज किया है जो कि एक स्ट्रिंग को फाइंड आउट करता है. तो वो इस प्रोग्राम में हम चेक करते हैं वो कैसे है. अब इस स्ट्रिंग के अंदर आप देखो, स्क्रिप्ट के अंदर मैंने दो वेरिएबल लिए हैं. एक वेरिएबल है str नाम का. str के अंदर देखो ये स्ट्रिंग एंटर कराई है, प्लीज लोकेट वेयर लोकेट अकर्स, ठीक है, ये पूरी स्ट्रिंग है. एक और वेरिएबल है pos नाम का. pos नाम के वेरिएबल के अंदर क्या लिखा है, str, मतलब str मतलब ये सारी स्ट्रिंग. डॉट इंडेक्स ऑफ, डॉट इंडेक्स ऑफ ब्रैकेट के अंदर किसको फाइंड आउट करे, लोकेट को फाइंड आउट करे, ठीक है. डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID POS की पोजीशन उसकी बता देगा वो. अब इसके अंदर हम चेक करते हैं कि नंबर क्या आएगा, ठीक है, कैसे ये 7 नंबर यहाँ पे वो आउटपुट में दिखा रहा है वो हम चेक करते हैं. ये चीज चेक करने से पहले एक इंपॉर्टेंट नोट है, वो आप समझ लो कि जावास्क्रिप्ट काउंट पोजीशन फ्रॉम जीरो. Zero is the first position in the string and 1 is the second and then 2 is the third. अब उसके according अगर हम check करें तो P क्या है? P से start करेंगे, ठीक है? P is zero position. So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 number पे space है. और 7 number पे locate start हो रहा है. Locate का L हमें 7 number पे मिल रहा है. तो वो हमें output पे क्या देगा? 7. क्लियर है. इंडेक्स ऑफ मेथड इज क्लियर टू एवरीवन. 7 वैल्यू कैसे आई, सबको क्लियर है? ओके. अब उसी के साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट पे मैंने लिखा है लास्ट इंडेक्स ऑफ. एक है इंडेक्स ऑफ, एक है लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड. रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द लास्ट अक्रेंस ऑफ अ स्पेसिफाइड टेक्स्ट. फॉर एग्जाम्पल सेम प्रोग्राम, लेकिन अब यहाँ पे मैंने इंडेक्स ऑफ की जगह पे लास्ट इंडेक्स को यूज किया. लास्ट इंडेक्स क्या करेगा, जो लास्ट पे होगा उसको वो उठाएगा, ठीक है. फर्स्ट के बाद जो उसको नेक्स्ट मिलेगा उसकी पोजीशन दिखाएगा. तो उसकी पोजीशन जो है, फिर मैंने बोला कि लोकेट को ही ढूंढो. तो लोकेट की पोजीशन हम चेक करें, पी से जीरो स्टार्ट हो रहा है. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पे स्पेस. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 नंबर पे स्पेस है. 20 नंबर पे क्या दिया हुआ है, कोट ऊपर कॉमा आ रहा है. 20 नंबर पे कॉमा है और L नंबर जो है वो कौन सी पोजीशन है, 21 पोजीशन. तो इसलिए यहाँ पे वो लास्ट इंडेक्स ऑफ हमें वैल्यू देगा 21. क्लियर, लास्ट इंडेक्स ऑफ 21 कैसे वैल्यू आई, क्लियर है? ओके. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट,
बोथ इंडेक्स ऑफ एंड लास्ट इंडेक्स ऑफ रिटर्न माइनस वन इफ द टेक्स्ट इज नॉट फाउंड। ठीक है, मैं कोई टेक्स्ट और देती हूँ लोकेट की जगह पे जो स्ट्रिंग के अंदर है ही नहीं, तो उस केस पे क्या नंबर वो हमें रिटर्न में देगा, माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, जब टेक्स्ट फाइंड नहीं होगा। देन नेक्स्ट, सर्चिंग फॉर अ स्ट्रिंग इन अ स्ट्रिंग। अब नेक्स्ट है कि हमें सर्च करना है स्ट्रिंग को, तो उस केस में क्या होगा, द सर्च मेथड सर्चेज अ स्ट्रिंग फॉर अ स्पेसिफाइड वैल्यू एंड रिटर्न द पोजीशन ऑफ द मैच। अब इसके अंदर हमें कैसे प्रोग्राम को लिखना है वो देखते हैं। सर्च हमें कैसे बताएगा, सर्च और जो इंडेक्स ऑफ हमने किया वो सेम है, जैसे इंडेक्स ऑफ वर्क करता था उसी तरह से सर्च वर्क करेगा। और जो सर्च मेथड है रिटर्न द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट अक्रेंस ऑफ द स्पेसिफाइड टेक्स्ट। ठीक है, जो लास्ट इंडेक्स है वो हमारी एक नेक्स्ट ऑप्शन होती है कि अगर हम लास्ट को भी देखना चाहते हैं, नहीं तो सर्च और इंडेक्स ऑफ जो है वो सेम तरह से वर्क करते हैं। सिर्फ सिंटेक्स के अंदर हमें क्या लिखना है, डिफरेंस क्या होगा, str डॉट इंडेक्स ऑफ की जगह पे हम सर्च लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर हम जिसको सर्च करना चाहते हैं, जैसे मैं लोकेट को सर्च करना चाहती हूँ तो वो मेरे को नंबर क्या देगा लोकेट का, सेवन, क्योंकि ये सेवन नंबर पे है जैसे हमने इंडेक्स ऑफ के अंदर भी किया। क्लियर है, सर्च क्लियर हो गया। Then next is extracting string parts. अब हमें string के parts कुछ extract करने हैं, तो there are two methods for extracting a part of a string. Number one is slice. Slice के अंदर parameter के अंदर हम pass करेंगे starting value और उसकी ending value. Slice, start and end. The second method is substring, sub str. Sub string को हम string पूरा नहीं लिखेंगे, sub str and brackets के अंदर start एंड उसकी लेंथ। ठीक है, ये दोनों डिफरेंस डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट इसकी वर्किंग है, तो वे देखते हैं प्रोग्राम से वन बाय वन। सो फर्स्ट मेथड इज स्लाइस मेथड। स्टूडेंट्स वन मिनट। So first method is slice method. So slice extract a part of a string and return the extracted part in a new string. The method takes two parameter. इसके अंदर हम दो parameters को use करेंगे, the first position and the end position. कि कहाँ से start करना है और कहाँ तक extract करना है. And one important point is end not included in slice method. अब example के साथ देखती हूँ कि क्या कैसे मतलब इसका क्या मतलब है. अब इस प्रोग्राम के अंदर बच्चे आप देखो तो यहाँ पे मैंने एक H2 को यूज किया है। H2 के अंदर जो लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग, तो एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा, P भी डिस्प्ले हो जाएगा, PID मैंने डेमो दे दिया। ठीक है, अब स्क्रिप्ट के अंदर मैंने दो वेरिएबल यूज किए हैं, एक है str, str के अंदर मैंने तीन वैल्यूज दी हैं, एप्पल, बनाना एंड कीवी। क्लियर, और नेक्स्ट मैंने एक और वेरिएबल लिया है res नाम का, res इज इक्वल टू str डॉट स्लाइस, और दो वैल्यू दी है 7.13। 7 का मतलब 7 नंबर से स्टार्ट करके 13 तक एक्सट्रैक्ट कर लो। ठीक है, और रिमेम्बर यहाँ पे जावास्क्रिप्ट काउंट पोजीशन फ्रॉम जीरो। ठीक है, जीरो जो है वो फर्स्ट पोजीशन है, और उसने एक सेकंड आपको मैंने इंपॉर्टेंट नोट क्या बताया कि जब हमें स्लाइस यूज करना है तो एंड को वो काउंट नहीं करता, 13 तक नंबर दिया है तो इसका मतलब वो कहां तक काउंट करेगा, 12 तक काउंट करेगा। अब हम स्टार्ट करें कि कौन सी स्ट्रिंग जो है वो एक्सट्रैक्ट होगी। So A is 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 number पे space है, 7 number पे B start हो गया। मतलब B हम extract करेगा 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13. 13 पे comma है, लेकिन 13 को count नहीं करना है slice में। तो कहां तक, 13 minus 1 means 12 तक। तो पूरी की पूरी string कौन सी हमारी extract होगी, बनाना एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये बनाना जो है वो आपको नेक्स्ट आपका आउटपुट आएगी। समझ आया स्लाइस कैसे वर्क करता है, क्लियर है सबको स्लाइस मेथड। ओके, सो नेक्स्ट मेथड जो था सेकंड,
नेक्स्ट उसने बताया इफ यू ओमिट द सेकंड पैरामीटर देन द मेथड विल स्लाइस आउट द रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इस प्रोग्राम के अंदर जो मैंने प्रोग्राम लिखा था स्लाइस का, उसमें मैं क्या करती हूँ, ये 7 के बाद कॉमा लग के 13 लिखा था, अगर मैं 13 वैल्यू नहीं लिखती हूँ, सिर्फ सिंपल 7 ही लिखती हूँ, तो उस केस में क्या होगा, जैसे कि इस प्रोग्राम में मैंने किया str डॉट स्लाइस ब्रैकेट के अंदर सिर्फ 7 लिखा है, तो वो क्या करेगा 7 नंबर से स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करना शुरू करेगा और जितनी भी स्ट्रिंग है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसका आउटपुट में क्या आएगा, बनाना कॉमा कीवी, ठीक है, 7 नंबर बी से स्टार्ट हो रहा था, वहां से एक्सट्रैक्ट करके जितनी भी स्ट्रिंग है उसको सारी की सारी को उसने एक्सट्रैक्ट कर दिया। क्लियर, इस तरह से भी हम कर सकते हैं। सो नेक्स्ट मेथड इज सब स्ट्रिंग मेथड। सो सब स्ट्रिंग इज सिमिलर टू स्लाइस, कहता है सब स्ट्रिंग भी स्लाइस की तरह ही वर्क करती है, स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ही यूज करते हैं, बट द डिफरेंस इज दैट द सेकंड पैरामीटर स्लाइसेस द लेंथ ऑफ द एक्सट्रैक्टेड पार्ट। इसके अंदर क्या था कि स्टार्टिंग और एंडिंग, और इसके अंदर हम लेंथ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेंथ का क्या मतलब है, सेम प्रोग्राम सेम वेरिएबल एस टी आर इज इक्वल टू एप्पल बनाना कीवी, लेकिन एस टी आर डॉट सब स्ट्रिंग 7.6। 7.6 का क्या मतलब है, 7 नंबर से स्टार्ट करेंगे, अभी हमने लास्ट एग्जांपल में देखा 7 नंबर कहाँ पे आ रहा है, बी से आ रहा है, ठीक है, और 6 तक चलेंगे। 6 का मतलब कितनी, 6 क्या है लेंथ, कितनी लेंथ तक वो एक्सट्रैक्ट करे। 7 से स्टार्ट किया तो बी है, फिर बी को क्या करना है, काउंट 1 करना है, सो 1 2 3 4 5 6, आंसर क्या आया बनाना। क्लियर, सब स्ट्रिंग क्लियर है, स्लाइस एंड सबस्ट्रिंग इज क्लियर टू एवरीवन। ओके गर्ल्स, आपको क्लियर है, सोनू क्लियर है, राजू, सिद्धार्थ, ओके स्टूडेंट्स, अभी बचे टाइम हो गया है